Hello everyone, a very good afternoon to you all. Hello Rishabh, nice to see you here. So I welcome you all to Neet Voyage channel. बच्चों हम लोग evolution chapter पढ़ रहे हैं, right? 3 बजे हम यहाँ पे Neet Voyage channel पे zoology में target 2021 का syllabus पूरा करते हैं, right? तो evolution chapter आपका already चल रहा था. उस chapter में हमने बहुत सारे topics पढ़ लिए हैं, right? And recently we were talking about nothing but the theory of evolution. सारे के सारे जितने भी थ्योरीज थे इवोल्यूशन के वो हम पढ़ चुके हैं, राइट. फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट लमार्किज्म, डार्विनिज्म हम पढ़ चुके हैं, राइट. हमने ह्यूगो डे व्रीज म्यूटेशन थ्योरी भी कल देख लिया था और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी मैंने आपको कल बताया था, राइट. बट ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में ही आज हमें डिटेल्स में बात करना है, क्योंकि वॉट डू वी कॉल मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एज नियो डार्विनिज्म, राइट. उसका दूसरा नाम क्या है, नियो डार्विनिज्म. क्यों नियो डार्विनिज्म बोलते हैं, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, अलग अलग तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, स्टेबिन्स, हक्सले, विजमन, देन यो ह्यूगो डे व्रीज, है ना, इन सब ने, और डोब्जांस की भी, राइट. इन सब ने मिलके डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को माना था, अप्रूव किया था, प्लस उन्होंने बोला था कि सिर्फ अकेला नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन का मेन रीजन नहीं है. Only natural selection is not responsible for evolution alone. उसके अलावा भी बहुत सारे factors हैं. Natural selection definitely है, but उसके अलावा और भी बहुत सारे factors हैं. क्या क्या थे वो सारे factors? Obviously your mutation, है ना, your genetic variations, जैसे आज हम variations पढ़ने वाले हैं, isolation, ये सारे बहुत अलग अलग reasons हैं, या ये सारे के सारे factors भी responsible है for evolution. राइट. तो आपके नीट के सिलेबस में आइसोलेशन और वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या है, है ना, आपकी प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, राइट. मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगी ये पूरी की पूरी थ्योरी. बिफोर आई डू सो, लेट मी वेलकम यू ऑल टू नीट वॉयज चैनल, चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनकैडमी. And I am Swagata Mukherjee and I have more than 5 years of teaching experience. I have also worked as a JRF, that is Junior Research Fellow in IASC Bangalore. जैसे कि आप सबको पता है, also take special classes and plus courses on your Unacademy app, right? तो Unacademy app में मेरी special classes के बच्चों timing हमेशा 4:30 PM होती है. आज का भी मैं आपको topic दिखा दूंगी कि मैं कौन सा topic आज पढ़ाने वाली हूँ. I have a slide for that, I'll show you at the end of the class, ठीक है. और plus course मेरा शुरू होने वाला है 15th of October से शुरू होगा बच्चों. उसका time होगा obviously 1 PM, पिछले बार भी 1 PM ही था. तो ये जो आपकी स्पेशल कोर्स और प्लस स्पेशल क्लास है, प्लस कोर्स एंड स्पेशल क्लास, ये दोनों के दोनों लाइव क्लासेस ही है, जैसे आपके यूट्यूब में हो रहा है, लेकिन वहां पे आप मुझसे इंटरेक्शन ज्यादा बेटर वे में कर सकते हो, राइट. आप इन बिटवीन द क्लास आपको जो भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, राइट. वहां पे अलग से, अगर इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन अनकैडमी प्रोफाइल, यू विल एक्चुअली गेट ऑल माई कोर्सेस नोटिफिकेशन कि क्या क्या कोर्सेस होने वाला है, अपकमिंग कोर्सेस क्या है और कौन कौन से यू नो टॉपिक आई एम गोइंग टू यू नो कवर इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है. तो आप बिल्कुल उसके लिए आ सकते हो. हेलो जीवन, गुड आफ्टरनून. ओके, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स भी क्रिएट होते, जो आज भी आपका लाइव पोल्स होने वाला है, राइट. 4:30 PM को जो मैं स्पेशल क्लास लूंगी उसमें मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो हमने कल पढ़ा था उसी के ऊपर आज ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. वहां पे आई बी गिव यू नो क्रिएटिंग सम लाइव पोल्स, जहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है. आपने कितना फास्ट आंसर चूज किया है और सही आंसर दिया है कि नहीं, उस हिसाब से आपका लीडर बोर्ड पे रैंकिंग आ जाती है और वो रैंकिंग मैं आपके साथ लाइव क्लास में शेयर कर सकती हूँ. जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स या एक एक टॉपिक फिनिश होता है, वी ऑल्सो टेक टेस्ट सीरीज, या तो वो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज या पूरे फुल सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज होता है. उस टेस्ट सीरीज में भी आप अपने यू नो परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, राइट. ओके, सो थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपके परफॉर्मेंस का आपको पता चले. यू विल गेट यू नो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन टाइप ऑफ वहां पे फील, आपको फील कराया जाएगा, राइट. आप जो नीट में जो चीज आप देने वाले हो, जिस तरह का एनवायरमेंट होगा, वो सेम एनवायरमेंट यहाँ पे आपको बार बार फील करने को मिल रहा है. तो आपका यू नो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा. जो सबसे बेस्ट फीचर है अनकैडमी का, दैट इज नथिंग बट द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. हेलो प्रवलीन, नाइस टू सी यू हियर. ओके, सो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी बच्चों में हफ्ते में 2 दिन लेती हूँ, राइट.
है ना, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल आ सकते हो। आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर में जो भी डाउट है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो और आपकी क्वेरीज बिल्कुल सॉल्व कर दी जाएगी। अब आपको मेरे क्लासेस में आने के लिए करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डिवाइस में। सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू गूगल प्ले स्टोर, आप जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे यू गेट सर्टन ऑप्शंस लाइक प्लस, तो आपको प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा फॉर सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस कोर्सेस के लिए आ रहे हो। अगर आप स्पेशल क्लासेस के लिए आ रहे हो सो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो प्लस के लिए आपको नीट यूजी पे क्लिक करना, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड देन यू कैन टेक ईदर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो या फिर आप 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन प्लानिंग बिल्कुल ले सकते हो। दैट वुड बी अराउंड 27,000 फॉर 1 ईयर अगर आप ले रहे हो, एंड फॉर 2 ईयर्स इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 30,400, राइट। गुड आफ्टरनून नेहा कुमारी, गुड आफ्टरनून योगिता, नाइस टू सी यू हियर एज वेल, ठीक है। और बच्चों टेलीग्राम वॉयज, टेलीग्राम ग्रुप भी है नीट वॉयज चैनल का, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा। पीडीएफ भी आपके कल के दोनों लेक्चर्स के पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, आप बिल्कुल वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज के भी हो जाएंगे आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से हमारा इवोल्यूशन, जहाँ पे आज हम आइसोलेशन वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आइसोलेशन टॉपिक किसके अंदर आता है, आपकी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, राइट। हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। आई टोल्ड यू दोज द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, तो उसमें से एक था आइसोलेशन। तो आज हमें बात करना पड़ेगा कि ये आइसोलेशन क्या है, ठीक है। योगिता यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको नीट वॉयज चैनल का टेलीग्राम लिंक दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और एल्स आई हैव जस्ट शोड यू द स्लाइड, राइट। आपको एक स्लाइड मैंने अभी शो किया था, ये वाला जस्ट नीट वॉयज चैनल आप लिखिए, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो कंटिन्यू करें, सो लेट्स टॉक अबाउट आइसोलेशन। आइसोलेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब है टू सेग्रीगेट, कोई भी अलग स्पीशीज के जो एनिमल्स हैं उनको सेग्रीगेट करना ताकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सके, ताकि वो मेटिंग ना कर सके, ये सिंपल मीनिंग है। सो इट इज नथिंग बट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ताकि यू नो दे कांट मेट, टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग, ताकि दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग ना हो। इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन, ब्रीडिंग ऑब्वियसली नथिंग बट द मेटिंग रिचुअल। तो दो अलग अलग स्पीशीज का अगर ब्रीडिंग हुआ तो वी आर गोइंग टू गेट अ हाइब्रिड। सो नेचर डजंट वॉन्ट टू फॉर्म अ हाइब्रिड, इसीलिए हमें दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना है। अब ये आइसोलेशन हम खुद उनको पकड़ के खींच नहीं रहे कि नहीं दूर रहो एक दूसरे से, नेचर खुद कर रहा है। नेचर के पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो ये दो अलग अलग स्पीशीज को अलग करके रख सकता है, करेक्ट, यस। तो क्या है यहाँ पे, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। सो आइसोलेशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू ईदर फिजिकल और बायोटिक। फिजिकल मतलब कैसे, ज्योग्राफिकल हो सकता है, इकोलॉजिकल हो सकता है, राइट। ज्योग्राफिकल बैरियर्स के थ्रू हम इसको दो अलग अलग स्पीशीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, राइट। और बायोटिक में क्या आ जाता है आपका, मोस्टली बायोटिक नथिंग बट योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर आता है। तो फिजियोलॉजिकली हम आइसोलेट कर सकते हैं दो अलग अलग स्पीशीज को, बिहेवियरली या मैकेनिकली या जेनेटिकल बैरियर्स के थ्रू, राइट। तो वी नीड टू टॉक अबाउट कि क्या है ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और क्या है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और कितने अलग अलग तरीके के आपके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं, करेक्ट, ओके, परफेक्ट, यस योगिता, हेलो अल्बर्ट, नाइस टू सी यू हियर, ओके। चलो तो सबसे पहले एक बार ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल सा है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज ईदर विद द हेल्प ऑफ नथिंग बट सर्टेन ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो कौन कौन से ज्योग्राफिकल बैरियर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सो ज्योग्राफिकल बैरियर्स में वी कैन यूज ओशन, ठीक है, ओशन यूज कर सकते हैं हम, है ना। ओशन यहाँ पे यू कैन सी किस तरह से दो अलग अलग स्पीशीज को एक रिवर ने यू नो अलग किया हुआ है या आइसोलेट किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है। सो ओशंस, देन योर लेक्स, राइट, लेक्स, देन रिवर,
ओके रिवर्स देन ऑब्वियसली माउंटेंस, माउंटेंस भी बिल्कुल करते हैं, माउंटेंस देन डेजर्ट, बहुत बड़ा लैंड मास या डेजर्ट भी बिल्कुल अलग कर सकता है या आइसोलेट कर सकता है, राइट right? और ज्योग्राफिकल स्पीसी, ये आइसोलेशन की वजह से ही मोस्टली स्पीसिएशन हो सकता है, राइट फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन था यहाँ पे, ठीक है, या ये माउंटेन अचानक से आ गया, पहले नहीं था, राइट ये एक सपोज आइलैंड था बहुत बड़ा, ठीक है, इस एक बहुत बड़ा लैंडमास था, और सपोज ये अभी माउंटेन नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग, यहाँ पे एक ही तरह के स्पीशीज रहती थी सारी, ठीक है, कोई स्नेल्स था फॉर एग्जाम्पल, ये सारे स्पीशीज एक ही जगह पे रहते थे, बस सेम स्पीशीज, अचानक से यहाँ पे एक माउंटेन आ गया, माउंटेन चल के तो नहीं आता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से आपका ये माउंटेन आ जाता है यहाँ पे, राइट तो सपोज ये माउंटेन आ गया और इसने लैंडमास को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, राइट अब ये कुछ स्पीशीज आपके अलग हो गए माउंटेन की वजह से, सेम स्पीशीज यहाँ पे गए, सेम स्पीशीज यहाँ गए, लेकिन माउंटेन के दो अलग अलग साइड पे दो अलग अलग तरह के एनवायरमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होता है, पता होना चाहिए अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि एक माउंटेन का एक साइड होता है लीवार्ड साइड एंड अदर वन इज विंडवार्ड साइड, एक जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, एक जगह पे डेजर्ट होता है, राइट तो ऑब्वियसली जो रेनी एरिया में रहेंगे और जो डेजर्ट एरिया में रहेंगे उनका एनवायरमेंट के हिसाब से उनकी अडेप्टेशन भी अलग अलग होंगी, राइट तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो स्पीशीज है एनवायरमेंट के साथ चल सूट होने के चक्कर पे ये लोग थोड़े से चेंज हो गया, ठीक है, इनका स्पीसिएशन हो गया, सो ये पुराना स्पीशीज वैसे का वैसे रह गया बिकॉज दीज स्पीशीज आर नाउ फेसिंग द सेम टाइप ऑफ एनवायरमेंट बिहाइंड द माउंटेन, बट इस साइड ऑफ द माउंटेन दे आर फेसिंग मे बी एरिड कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन मिल रहा है उनको, राइट तो उनको तो डेजर्ट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्पीसिएशन हुआ, सो दैट्स व्हाई वी से दैट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑलवेज कैन लीड टू स्पीसिएशन, ठीक है। चलो ये तो हमने चलो ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देख लिए, यहाँ पे हमने कोई बाहर का साउथ रिम और ये सब बाहर के एग्जाम्पल देख लिए, इंडियन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन एग्जाम्पल में आप जाइंट स्क्विरल के एग्जाम्पल को ले सकते हो, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल जो है आपके इंडिया में तीन अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, राइट तीन अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं, राइट सबसे पहले जो आपके गुजरात के डेसीडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं, राइट गुजरात के डेसीडुअस फॉरेस्ट में जो मिलते हैं, राइट सो दीज जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल दे हैव येलो फर, इनकी येलो फर होती है, फर कलर जो है इनके जो बॉडी का जो कलर है वो येलो कलर की होती है वो सेम एक कॉमन एंसेस्टर से आया बट अलग अलग स्पीसिएशन हो गया। उसी तरह से आपको जो महाराष्ट्र के फॉरेस्ट में मिलती है जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट में जो आपको जाइंट स्क्विरल मिलती है दे हैव ब्राउन फर कलर, उनकी ब्राउन फर कोटिंग होती है, अलग हो गया, मतलब स्पीशीज डिफरेंस हो गई, आया वो एक ही एंसेस्टर से है लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनमें अडेप्टेशन हुई टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट और उनका फर कोट अलग हो गया। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो मैसूर, मैसूर फॉरेस्ट में जो आपको जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल मिलेंगे उनका फर कोट ब्लैक कलर का होता है, सो दे हैव नथिंग बट ब्लैक फर, तो यहाँ पे आपको स्पीसिएशन दिख रहा है, राइट ओके हेलो शंपा नाइस टू सी यू हियर एज वेल, ठीक है। दिस इज अबाउट योर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब ज्योग्राफिकल बैरियर्स के वजह से जो हो रहा है। अब हमें बात करना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो मेजरली हमारे नेचर में ये मेजर रोल प्ले करता है, राइट अब रिप्रोडक्टिवली हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यू प्रिवेंट बोथ स्पीशीज के जो अलग अलग स्पीशीज के जो एनिमल है उनका मिलने का चांस ही रोक दो, राइट अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो मेटिंग ही नहीं होगा, करेक्ट। सो प्री मेटिंग या प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या होता है, प्री जाइगोटिक हम उसको क्या बोल रहे हैं, वी आर प्रिवेंटिंग मेटिंग एंड वी आर प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, राइट सो प्रिवेंशन ऑफ चांसेस ऑफ मीटिंग, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ जस्ट अ सेकेंड चांसेस ऑफ मीटिंग और फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, राइट या गैमिट्स का जो चांसेस है मीटिंग का वो हम रोक सकते हैं, राइट
पोस्ट मेटिंग में हम क्या होते हैं, बाई चांस मेटिंग हो गई है ना, बाई चांस दो अलग अलग स्पीशीज की मेटिंग हो गई है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम कोई हाइब्रिड को नहीं बनाना चाहते, राइट. सो टू प्रिवेंट दी फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड को बनने से हम रोक सकते हैं. सो ये दो अलग अलग तरह के आपके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग. इसको हम लोग प्री जाइगोटिक बोल सकते हैं या पोस्ट जाइगोटिक, इसीलिए तो प्री एंड पोस्ट बोला गया है. प्री जाइगोटिक मतलब जाइगोट के बनने से पहले तक हम किस तरह से दो अलग अलग स्पीशीज को आइसोलेट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं फ्रॉम मेटिंग ईच अदर, राइट, टू मेट ईच अदर. पोस्ट जाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली सपोज बाय चांस मेटिंग हो गई है, उसके बाद हम हाइब्रिड को बनने से कैसे रोक सकते हैं. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्री मेटिंग आइसोलेशन. सो नंबर वन प्री मेटिंग आइसोलेशन में आपका क्या आता है, सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन. तो सीजनल टेम्पोरल आइसोलेशन का मैं आपको बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना. एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में तीन अलग अलग स्पीशीज के फ्रॉग्स रहते हैं. ये जो राना हमने जो जीनस नेम यूज किया है दैट मीन्स फ्रॉग, और इस फ्रॉग के अलग अलग स्पीशीज आपको दिख रहे हैं. एक है आपका राना पाइपिंस, ठीक है, एक है आपका राना सिल्वेटिका एंड द अदर वन इज नथिंग बट राना क्लैमिटिन्स. ये तीन अलग अलग स्पीशीज आपको दिख रहे हैं. ये तीनों स्पीशीज रहते सेम पॉन्ड में है, है ना. और यूजुअली ये किस तरह का शो करते हैं, लाइक दे यूजुअली रिलीज देयर गैमेट इन द सेम पॉन्ड. ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, तो हमें क्या पता वो गैमेट्स को क्या पता वो किसी भी स्पीशीज के एग के साथ जो यू नो मेट कर सकता है, मेट इन द सेंस दे कैन फ्यूज विद अ डिफरेंट स्पीशीज, बट ऐसा होने का चांसेस होता ही नहीं है, नेचर ने रोक के रखा हुआ है. कैसे, इनका ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होता है, राइट. और इनका यूजुअली फॉर एग्जाम्पल ब्रीडिंग सीजन या टेम्पोरल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, इनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए टू रिलीज देयर गैमेट्स, ठीक है. जैसे अगर आपने राना पाइपिंस को ले लिया, इट नीड्स अराउंड 55 डिग्री फारेनहाइट, है ना, टू रिलीज देयर गैमेट्स. उनके गैमेट्स को रिलीज या फॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए दे नीड अराउंड 55 डिग्री फारेनहाइट. राना सिल्वेटिका इसको पता है कितना चाहिए, 44 डिग्री फारेनहाइट, थोड़ा सा और कम फारेनहाइट, तो थोड़ी सी लो टेम्परेचर चाहिए उसको, राइट, टू रिलीज देयर गैमेट्स. और क्लैमिटेंस को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, अराउंड 60 डिग्री फारेनहाइट. इसे 60 डिग्री फारेनहाइट चाहिए, इसको 44 डिग्री, इसको 55 डिग्री फारेनहाइट चाहिए. तो समझ में आया क्यों हमने इसको टेम्पोरल आइसोलेशन बोला है. दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज टेम्पोरल आइसोलेशन, बिकॉज टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है. अब ब्रीडिंग सीजन भी आप ले सकते हो. जैसे एक एरिया में, एक पॉन्ड में या एक गार्डन में दो अलग अलग स्पीशीज के आपके टोड्स रहते हैं. आई थिंक आपको टोड्स और फ्रॉग्स का डिफरेंस पता है, राइट. अ टोड यू कैन सी देयर बॉडी इज क्वाइट रफ, है ना, वॉर्टी होता है. यहाँ फ्रॉग के बॉडी स्ट्रक्चर को देखो, स्मूथ होता है और म्यूकस होता है, स्लिपरी होता है, राइट. एनीवेज ब्यूफो इज नथिंग बट द जीनस नेम ऑफ अ टोड. तो दो अलग अलग स्पीशीज थे ब्यूफो के, दो अलग अलग टोड्स के स्पीशीज थे. एक ब्यूफो फाउलरी एंड द अदर वन इज ब्यूफो अमेरिकाना. ये दोनों रहते तो सेम एरिया में थे, बट इनकी जब ये एक दे आर शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज टू ले एग्स दे हैव टू गो टू वाटर. वो वाटर में जाके जब अपने एग्स और अपने स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, तब उनका इंटरस्पेसिफिक मेटिंग या इंटरस्पेसिफिक फ्यूजन को सेग्रीगेट किया जाता है. कैसे, दे हैव डिफरेंट सीजन. जैसे कि ब्यूफो अमेरिकाना जो है वो अर्ली रेनी सीजन के पहले वो ब्रीड करता है, और जो फाउलरी है वो रेनी सीजन के बाद करता है, जब रेनी सीजन खत्म होने को आता है उस टाइम पे करता है. तो उनका ब्रीडिंग सीजन अलग हो गया, तो ऑब्वियसली इंटरस्पेसिफिक मेटिंग नहीं हो पाई. वही तो हम चाहते थे, वी आर ट्राइंग टू आइसोलेट दीज टू डिफरेंट स्पीशीज. सेम आपको मैंने यहाँ पे फ्रॉग का एक एग्जाम्पल दिया और ब्यूफो का भी मैंने बताया, राइट, हाउ वी कैन, किस तरह से हम प्री मेटिंग आइसोलेशन कर सकते हैं, करेक्ट. ओके, हेलो शंपा, हेलो, नाइस टू सी यू हियर. नेक्स्ट आपकी प्री मेटिंग में आता है इथियोलॉजिकल या बिहेवियरियल आइसोलेशन. इथियोलॉजिकल या बिहेवियरियल में क्या आता है, देखो आपने शायद देखा होगा, राइट, एक मोर को नाचते हुए, राइट, यू माइट हैव सीन अ पीकॉक, और अ पी फाउल भी हम उसको बोलते हैं. पीकॉक इज अ मेल, राइट, वो मेल इंडिविजुअल है. यू माइट हैव सीन देम डांसिंग, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज कोर्टशिप बिहेवियर. तो ये आपका
आपका बिहेवियरल आइसोलेशन है। एक पीहेन से एक पीकॉक ही मेट करेगा, एक पीहेन जाके किसी मेल क्रो के साथ मेट नहीं करेगी, राइट? क्योंकि स्पीशीज अलग अलग है, करेक्ट? सो अलग अलग तरह के बिहेवियरल आइसोलेशन होती है जो आपके एनिमल्स के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। एक तो विजुअल स्टिम्यूली, मैंने आपको बोल दिया जो कोर्टशिप डांस वगैरह होती है, राइट? सो हियर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोर्टशिप डांस ऑफ पीकॉक, ठीक है? पीकॉक या फिर आप पी फाउल भी बोल सकते हो, वी कैन ऑल्सो कॉल पीकॉक एज पी फाउल, है ना? जैसे पी हेन हम फीमेल को बोलते हैं, वैसे इसको पीकॉक या पी फाउल बोल सकते हो आप, ठीक है? वो विजुअल स्टिम्यूली है। देन कम्स अकॉस्टिक स्टिम्यूली। अकॉस्टिक स्टिम्यूली का मतलब ही होता है ऑडिटरी, सुनने से। किस तरह से? क्या आपने कभी फ्रॉग को क्रोक करते हुए सुना है? है ना, रेनी सीजन में, स्पेशली रेनी सीजन में आपको फ्रॉग का आवाज आता है, राइट? सो दे कीप ऑन डूइंग दिस क्रोकिंग नॉइस, और वो मेल प्रोड्यूस करता है, फीमेल नहीं। और यहाँ पे भी मेल ही डांस कर रहा है, मेल पीकॉक ही डांस करता है। सो दे डिस्प्ले देयर प्ल्यूमेज, प्ल्यूमेज मतलब उनकी फेदर्स जो है, ब्यूटीफुल फेदर्स है, उसको डिस्प्ले करती है, राइट? ऐसे मोस्टली बहुत सारे स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज में आप ये कोर्टशिप डांस देख सकते हो। देयर इज अ बर्ड विच इज कॉल्ड एज पैराडाइज बर्ड, है ना? आप आज ही जाके गूगल में एक बार चेक करना, इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड, पूरा ब्लैक होता है, बट वो अपने यू नो प्ल्यूमेज के हिसाब, प्ल्यूमेज के थ्रू इस तरह से डांस बनाते कि वो लगता ही नहीं कि वो सेम स्पीशीज है, राइट? वो लगता है कोई और बर्ड आ गया। बहुत सुंदर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड अकॉस्टिक के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज नथिंग बट योर, हेलो दिनेश, नाइस टू सी यू हियर। अकॉस्टिक इज ऑडिटरी, सुन के। सो हर एक मेल फ्रॉग अलग अलग स्पीशीज के जो है, जैसे राना, अभी मैंने राना टाइग्रीना, राना पिपियंस, राना क्लैमिटेंस, राना सिल्बेटिका, सारे मेल फ्रॉग, ये सारे स्पीशीज के मेल फ्रॉग की कोकिंग पिच, जो क्रोकिंग पिच है, वो अलग अलग होती है, ठीक है? मतलब उससे उसी स्पीशीज की फीमेल विल गेट अट्रैक्टेड, नॉट द सेम, ठीक है? उसके अलावा यू ऑल्सो गेट केमिकल स्टिम्यूली। केमिकल स्टिम्यूली कैसे होता है? एक बार मैं यहाँ पे अकॉस्टिक या ऑडिटरी का एग्जाम्पल लिख देती हूँ, इट कुड बी नथिंग बट क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स। एक और एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ककू बर्ड, जो ककू बर्ड होता है, कोयल की जो आवाज होती है, दैट इज ऑल्सो, वाई डू दे यू नो, क्यों वो आपके वसंत मौसम में, वसंत ऋतु में यूजुअली आपको कोयल की आवाज सुनाई देती है, राइट? सो वाई स्प्रिंग सीजन में, जिसको हम बोलते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज दैट इज ऑल्सो देयर ब्रीडिंग सीजन। सो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन दिस मेल कोयल और द मेल ककू बर्ड इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दैट साउंड और प्रोड्यूसिंग दैट वॉइस, सो दैट द फीमेल ककू विल गेट अट्रैक्टेड एंड सो दैट दे कैन मेट, राइट? सो आपको यहाँ पे यू नो वॉइस ऑफ और कूइंग ऑफ ककू बर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। जस्ट लेट मी राइट द एग्जाम्पल हियर, मैं एक बार एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे, कूइंग ऑफ ककू बर्ड, ठीक है? और ये सारे मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स ही करते हैं, करेक्ट? ओके। केमिकल स्टिम्यूली में क्या होता है? फेरोमोन्स, रिलीज ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स आर मोस्टली कॉल्ड एज सेक्स हॉर्मोन्स, और ये फेरोमोन्स मोस्टली आपको एनिमल्स में मिलते हैं, आपको इंसेक्ट में भी फेरोमोन्स मिलते हैं। ह्यूमंस में यूजुअली वी डू नॉट नो नोन टू प्रोड्यूस फेरोमोन्स, बट स्वेट में, ह्यूमंस के स्वेट में कुछ इस तरह के ओडर होते हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फेरोमोन, ठीक है? तो उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। हर एक स्पीशीज का अलग अलग फेरोमोन का ओडर होता है, द ओडर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर डिफरेंट, राइट? जिसके थ्रू उसी स्पीशीज की फीमेल जो है, दे विल गेट अट्रैक्टेड, राइट? हेलो हरिकेश, नाइन। सो दैट इज अ इथियोलॉजिकल बिहेवियर। तो हियर यू कैन सी अ पीकॉक हियर इज शोइंग ऑफ द प्ल्यूमेज। सो यहाँ पे आपको यू नो प्ल्यूमेज डिस्प्ले दिख रहा होगा। प्ल्यूमेज का मतलब होता है उनके जो फेदर्स की जो डिस्प्ले है, प्ल्यूमेज डिस्प्ले दिख रही होगी यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो सी द क्रोकिंग ऑफ अ फ्रॉग यहाँ पे आपको। सो दिस इज नथिंग बट योर विजुअल स्टिम्यूली। ये पीकॉक वाला जो है वो विजुअल स्टिम्यूली है, और ये फ्रॉग वाला जो आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑडिटरी या अकॉस्टिक स्टिम्यूली, ठीक है? ऑडिटरी या फिर हम इसको अकॉस्टिक भी बोल सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग, ठीक है? ऑब्वियसली बोथ आर मेल्स, राइट? अब बात करते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। ये सारे हम प्री मेटिंग आइसोलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो स्पीशीज अगर मेट करना भी चाहे, सपोज वो पास आ गए हैं, दे आर ट्राइंग टू मेट बट स्टिल दे कांट,
है ना, सेम एरिया में, पास इन द सेंस वो सेम नीश में रहते हैं, सेम एरिया में रहते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन भी सेम है सपोज, है ना, जैसे फ्रॉग्स में क्या था अलग अलग ब्रीडिंग सीजन था एंड एवरीथिंग, बट अब सपोज यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन सेम है, सब कुछ सेम है, राइट, बट स्टिल उनकी जो जेनाइटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा अलग होता है अलग अलग स्पीशीज का, कि इट इज ट्राइंग टू शो अ लॉक इन की मेकानिज्म, हर एक स्पीशीज का एक लॉक इन की मेकानिज्म प्रोवाइड करता है उनकी स्ट्रक्चर ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स, बट अगर एक पर्टिकुलर लॉक के साथ वही की उसमें फिट होगी, तो यहाँ पे आपको दो स्नेल्स दिख रहे होंगे, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, राइट, सो द जेनाइटल ओपनिंग्स, है ना, ये आपकी जेनाइटल ओपनिंग्स शो की गई है, यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर स्नेल का जेनाइटल ओपनिंग है और इस पर्टिकुलर स्नेल का जेनाइटल ओपनिंग यहाँ पे है, तो दोनों मैच ही नहीं कर रहा है, दोनों की पोजीशनिंग अलग है, सो दीज सेल्स आर नॉट अलाइंड एंड मेटिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग अलग है, किसकी, जेनाइटल ऑर्गन की, राइट, तो क्या होता है आपके मैकेनिकल आइसोलेशन में, इन दिस केस मेटिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, है ना, इज इनहिबिटेड एज द जेनाइटल्स आर नॉट कंपैटिबल, ठीक है, ये आपकी मैकेनिकल आइसोलेशन हो गई, मैकेनिकल क्यों बोल रहे, बिकॉज द स्ट्रक्चर और द पोजीशनिंग और द शेप ऑफ द जेनाइटल्स आर नॉट मैचिंग, करेक्ट, यहाँ पे आपको मैकेनिकल आइसोलेशन का एक और एग्जांपल दिख सकता है, दिस इज अ यू नो ये ड्रैगन फ्लाई है, यू कैन सी अ ड्रैगन फ्लाई हियर, या डैमसिल फ्लाईज भी हम इसको बोलते हैं, सो ये सेम स्पीशीज है, बट हर एक स्पीशीज का ये सपोज किसी और स्पीशीज के साथ मेट करना अगर चाहा वो तो नहीं कर सकता, बिकॉज देयर जेनाइटल ऑर्गन का लॉक इन की मैकेनिज्म नहीं है, सो इट वॉन्ट फिट, दे आर नॉट कंपैटिबल, ठीक है, उसके अलावा कुछ और प्री मेटिंग आइसोलेशन हो सकते हैं, जैसे कि आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, राइट, तो अगर क्या आपको कोई यू नो माउंटेन की जो हस्की होती है, माउंटेन हस्की यहाँ पे अगर सपोज आपको दिखा, साइबेरिया, चलो साइबेरिया के हस्की देख लेते हैं, साइबेरिया में जो भी हस्कीज है आपके डॉग्स हस्कीज, तो आजकल सबको पता होगा इट्स सो फेमस नाउडेज, है ना, बिकॉज ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, है ना, तो आपकी हस्की यहाँ पे साइबेरिया का जो हस्की है और आपके पोलिश जो हस्की है, राइट, दोनों अलग अलग जगह पे है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस क्या यू नो इसकी हस्की का स्पीशीज अलग है, पोलिश हस्की का स्पीशीज अलग है, लेकिन है दोनों हस्कीज ही, ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड है, बट इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो आएंगे क्या मेट करने के लिए, नहीं, राइट, ये माउंटेन वगैरह क्रॉस करके वो मेट करने आएंगे, नहीं आएंगे, सो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी हम आइसोलेट कर सकते हैं, करेक्ट, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, ये फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में दिखता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर क्या है, इट इज नथिंग बट योर फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम इज नथिंग बट ड्रोसोफिला, उसमें से एक ड्रोसोफिला का जो स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड एज मेलेनोगैस्टर, ये मेलेनोगैस्टर किसी और ड्रोसोफिला के साथ मेट नहीं कर सकता है, वाई, उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, कैसे, इफ अनदर स्पीशीज सपोज एक ड्रोसोफिला ए था और एक ड्रोसोफिला बी है, ठीक है, तो अगर ड्रोसोफिला ए ड्रोसोफिला बी के साथ मेट करने की कोशिश की, तो ड्रोसोफिला बी का जो जेनाइटल है इट विल स्वेल अप, द जेनाइटल रीजन विल स्वेल अप, स्वेलिंग हो जाती है, राइट, स्वेल अप, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑब्वियसली मेटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो हमने इस तरह से दोनों स्पीशीज की मेटिंग को रोक दिया, ये तो था आपका प्री मेटिंग, राइट, प्री मेटिंग से पहले मेटिंग को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अब सपोज बाय चांस मेटिंग हो गया, तब हम जाइगोट को बनने से कैसे रोक सकते हैं, राइट, उसके बाद बारे में हमें बात करना है, सो वी नीड टू टॉक अबाउट पोस्ट जाइगोटिक मेटिंग, बट पोस्ट जाइगोटिक मेटिंग को बोलने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मेटिंग तो हम तब प्रिवेंट करेंगे ना जब मेटिंग आपका इंटरनल हो, जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, बट वॉट अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना, जैसे अभी हमने क्या देखा कि जो फ्रॉग्स थे दे आर शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो बाहर की तरफ बाहर वाटर में अपने स्पर्म्स और अपने एग्स को रिलीज कर रहे थे, राइट, उसमें भी टेम्पोरल इकोलॉजिकल जो भी था उनका आइसोलेशन वो सारी चीजें था, राइट, टेम्पोरल टेम्परेचर अलग अलग था, ब्रीडिंग सीजन अलग अलग था, बट क्या होगा अगर ब्रीडिंग सीजन सेम है, तो हमें किसी तरह से उस गैमेट को बनने से रोकना होगा, तो प्री मेटिंग आइसोलेशन में आपका एक और आ जाता है गैमेट मोर्टेलिटी, ये मोस्टली उन एनिमल्स में काम करता है दोज हु एग्जिबिट
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एनिमल्स है मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रही है, जैसे कि आपको सी अर्चिन में दिख सकता है, यहाँ पे आपको एक सी क्यूकम्बर दिख रहा है ना, सी क्यूकम्बर दे बिलोंग्स टू होलोथुराइडिया, हमने पढ़ा है। तो ये सी क्यूकम्बर्स अलग अलग स्पीशीज है, सारे स्पीशीज दे रिलीज देयर एग्स एंड स्पर्म इन टू द ओपन वाटर, बट द स्पर्म रिकोगनाइज देयर ओन स्पीशीज थ्रू केमिकल मार्कर। आई होप आपने एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन का थेरी पढ़ा होगा, राइट? एंटी फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलाइजिन दे आर रिलीज बाई स्पर्म एंड एग्स रेस्पेक्टिवली, और हर एक स्पीशीज ऑफ सी अर्चिन का ये दोनों केमिकल्स अलग अलग होता है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिकोगनाइज द सेम स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल, वरना वो नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग, अगर उसने, अगर सपोज किसी और स्पीशीज ने दूसरे किसी स्पीशीज के एग के साथ फ्यूज करने की कोशिश किया, उसके पास भी आया, तो उसकी केमिकल उस स्पर्म को मार डालेगी। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गैमेट मोर्टेलिटी। सो दे विल पेरिश हियर। व्हाट हैपेंस, द गैमिट्स विल पेरिश। पेरिश मतलब डीजनरेट हो जाना, नष्ट हो जाना। विल पेरिश व्हेन इट comes in contact with a different species gamete, when it comes in contact with a different species gamete, ठीक है? So this is again another type of pre-mating isolation, gametic motility हम इसको बोलते हैं। motility मतलब उसकी, वो जिंदा नहीं बचेगा, perish हो जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट मेटिंग। सपोज मेटिंग भी हो गई, गैमेट भी फ्यूज हो गया, हम रोक नहीं पाए हैं, नेचर उसे रोक नहीं पाया है, तो हमें क्या करना है, हमें उस जाइगोट को बनने नहीं देना है। सपोज आपकी मेटिंग हो गई है ना, तो ये आपका कोई दूसरे स्पीशीज का एग था और एक किसी और स्पीशीज के स्पर्म ने आके इसको, सपोज मेटिंग हो गई, तो इससे जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को हमें, जाइगोट हम कुछ नहीं करेंगे, नेचर ही कर रहा है। सो मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन आर पॉसिबल, बट जेनेटिक डिफरेंसेस रिजल्ट इन अ जाइगोट दैट इज अनेबल टू डेवलप प्रॉपरली। तो ये जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट मोरियुला बनता है, मोरियुला ब्लास्टुला बनता है, तो इसी एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही ये जाइगोट खत्म हो जाएगा या मर जाएगा, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जाइगोट मोर्टेलिटी। फॉर एग्जाम्पल शीप्स और गोट्स में ऐसा पाया गया है, ऑलरेडी शीप्स एंड योर गोट्स दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज ऑब्वियसली, है ना, स्पीशीज छोड़ो वो है, एनिमल ही अलग अलग है, बट इट हैज बीन फाउंड दैट दे डू मेट, बट व्हेन दे मेट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी जाइगोट, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग, क्योंकि उनकी जाइगोट ही वायबल नहीं है, सो इट इज नॉट वायबल, लिविंग नहीं होती है, मर जाती है वो ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, राइट? हेलो अभिषेक, नाइस टू सी यू हियर। ओके, राइट। नाउ हाइब्रिड इनवैरिटी, सपोज जाइगोट बच गया, सपोज जाइगोट बच गया है, जाइगोट ग्रो भी हो रहा है, लेकिन जाइगोट ने हाइब्रिड भी बनाया, लेकिन वो हाइब्रिड या तो बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ तुरंत मर जाएगा, राइट? सो अ हाइब्रिड इंडिविजुअल, लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट हियर, अ हाइब्रिड इंडिविजुअल डेवलप्स बट कैन नॉट सर्वाइव टू मैच्योरिटी। पैदा भी सपोज हो गया बट वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचेगा, पहली अर्ली स्टेज में, इन्फेंट पीरियड में ही वो मर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड अनवायबिलिटी, है ना? इट मे डाई बिफोर बर्थ और मे डाई बिफोर रीचिंग द मैच्योरिटी, ठीक है? तो सपोज आपका जाइगोट हाइब्रिड तक चला गया, हाइब्रिड बन गया, लेकिन हाइब्रिड या तो स्टिल बॉर्न होगा, बिफोर बर्थ मर जाएगा, या आफ्टर बर्थ भी ये मर सकता है, राइट? हेलो गीतांजलि, नाइस टू सी यू हियर। ओके, अब सपोज हाइब्रिड जिंदा बच गया, मैच्योरिटी भी हो गई, चलो, है ना, क्या पता नेचर में कुछ भी हो सकता है, तो वो जो हाइब्रिड होगा वो अपना कोई प्रोजिनी नहीं छोड़ पाएगा, वो आपका स्टराइल होगा, इट इज नॉट फर्टाइल, मतलब वो गैमीट्स नहीं बना सकता, या ऑब्वियसली इट कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन एंड दे कैन नॉट गिव राइज टू अ न्यू प्रोजिनी। सो हियर स्पीशीज मेट एंड हाइब्रिड इज वायबल बट स्टराइल। जैसे कि हमको क्या दिखता है, म्यूल, हम सबको पता है म्यूल क्या होता है, म्यूल इज नथिंग बट बिटवीन अ मेल डोंकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैक, सो मेल डोंकी इज कॉल्ड एज अ जैक, ठीक है, एंड अ फीमेल हॉर्स, सॉरी मैंने उल्टा यहाँ पे साइन दे दिया है, जस्ट अ सेकेंड, मैं ठीक कर देती हूँ अभी। ओके, द साइन थोड़ा सा उल्टा हो गया था, दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल, दिस इज नथिंग बट मेल, मेल इज नथिंग बट अ फीमेल हॉर्स, जिसने क्या बनाया है आपका म्यूल। वैसे ही हिनी, हिनी इज ऑल्सो अ हाइब्रिड, हिनी इज नथिंग बट अ हाइब्रिड बिटवीन योर स्टैलियन, स्टैलियन इज नथिंग बट अ मेल हॉर्स
ठीक है, मेल हॉर्स और आपका एक फीमेल डोंकी जिसको हम बोलते हैं जेनी, जेनी इज नथिंग बट अ फीमेल डोंकी, इनके बीच का, इनके बीच में जो मेटिंग होती है जिसकी वजह से जो हाइब्रिड बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, हिनी, ठीक है। सो इनकी हेल्दी होते हैं, दे आर वायबल, मतलब वो खुद जिंदा रह सकते हैं, बट दे आर स्टराइल, ठीक है। वैसे ही आपको दो तीन और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइगर, है ना। लाइगर किस किसके किसकी हाइब्रिड है, ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट बिटवीन अ मेल लायन, ठीक है, अ मेल लायन एंड अ फीमेल, ऑब्वियसली टाइग्रेस हम बोलते हैं उसको, है ना, फीमेल टाइगर इज कॉल्ड एज अ टाइग्रेस। फिर आपको टाइगोन भी मिलेगा, टाइगोन इज नथिंग बट अ हाइब्रिड ऑफ योर मेल टाइगर, है ना, मेल टाइगर एंड अ फीमेल लायनेस, इट्स अ फीमेल लायनेस, करेक्ट। सो दे आर यूजुअली स्टराइल, दे कैन नॉट लीव देयर प्रोजेनी, तभी तो हम इनको एज अ स्पीशीज कंसिडर नहीं करते हैं। याद करो, जब भी हम किसी स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ स्पीशीज, स्पीशीज का प्रॉपर्टी क्या है कि दे शुड रिप्रोड्यूस एंड दे शुड लिव अ ऑफस्प्रिंग। ये टाइगोन लाइगर इनको स्पीशीज कंसिडर ही नहीं करते, दे आर जस्ट कॉल्ड एज अ हाइब्रिड, क्यों, बिकॉज ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो वो स्पीशीज है ही नहीं अर्थ में कोई, करेक्ट, ओके। अब सपोज कि ये जो हमने सपोज यहाँ पे लाइगर, सपोज हमने टाइगोन बनाया, लेट्स टेक हमने टाइगोन बनाया है, ठीक है। तो टाइगोन हमने किससे बनाया है, ऑब्वियसली हमने एक मेल टाइगर लिया था, ठीक है, और हमने एक फीमेल, ओहो फिर से ये साइन गलत हो गया, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली हाइब्रिड ब्रेकडाउन इज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो मेल टाइगर था एक फीमेल टाइगर के साथ मेट हुआ, राइट, फीमेल लायन के साथ, ठीक है, लायनेस, और जिसकी वजह से हमें एक F1 जनरेशन में क्या मिला है, F1 जनरेशन में यू गॉट नथिंग बट दिस टाइगोन, ठीक है। अब सपोज हमने दो तीन टाइगोन बनाए, है ना, बहुत सारे टाइगोन मिले हमें, हो सकता है बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं। अब एक टाइगोन सपोज ये फीमेल बना, है ना, और ये वाला टाइगोन जो है ये मेल बना, यू नो, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के गैमिट्स वो कैरी कर रहे हैं, राइट, किस तरह के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम वो कैरी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ होमोगैमेटिक सेक्स, है ना। होमोगैमेटिक सेक्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल फीमेल्स में यूजुअली क्या होता है, दोनों सेम गैमिट्स होता है, करेक्ट, इसलिए होमोगैमेटिक सेक्स बोलते हैं। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट अ हेटेरोगैमेटिक सेक्स, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक सेक्स। हेट्रोगैमेटिक सेक्स मतलब क्या, दो अलग अलग सेक्स है, एक्स एंड वाई अगर हमने लिया तो ये जो होमोगैमेटिक सेक्स है दे आर फर्टाइल। इट वॉज एक्चुअली गिवन बाई हेल्डन, हेल्डन वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये थ्योरी दी थी कि दैट द होमोगैमेटिक सेक्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ, द होमोगैमेटिक सेक्स आर फर्टाइल, ये लोग फर्टाइल होते हैं, मतलब दे कैन गिव राइज टू F2 जेनरेशन, है ना, दे कैन गिव राइज टू F2 जेनरेशन, मतलब ये एक और प्रोजेनी बना सकती है, बट ये जो प्रोजेनी है इट इज स्टराइल, द F2 जेनरेशन इज स्टराइल। तो हमने क्या किया, F1 जेनरेशन बना, F2 जेनरेशन बना, फिर और कोई जेनरेशन नहीं हो सकता, ये हो गया हमने हाइब्रिड का जो प्रोजेनी, जो लाइन है, पेडिग्री लाइन को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, करेक्ट। और होमो हेटेरोगैमेटिक सेक्स क्या होता है, ऑब्वियसली हेटेरोगैमेटिक सेक्स तो आपके स्टेराइल ही होते हैं, सो दीज आर कंप्लीटली स्टेराइल, तो ये लोग तो आपकी हाइब्रिड स्टेरिलिटी शो कर रहे हैं, राइट, सो दीज आर शोइंग हाइब्रिड स्टेरिलिटी, बट दी होमोगैमेटिक सेक्स दे आर शोइंग व्हाट, योर हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, परफेक्ट, यस, मूविंग ऑन। सो यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, मतलब ये जो लाइगर या टाइग्लायन भी हो सकता है, हाइब्रिड्स ऑफ लायंस एंड टाइगर्स हैव बीन ऑब्टेंड थ्रू जू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, व्हाइल द फर्स्ट जनरेशन मे बी हेल्दी, हाइब्रिड्स बिकम वीक और स्टराइल इन फ्यूचर जनरेशन, करेक्ट। तो आपका इस तरह से हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो जाए, आई जस्ट एक्सप्लेन यू द सेम कि होमोगैमेटिक सेक्स और हेटेरोगैमेटिक सेक्स में से कौन सा फर्टाइल है और कौन सा आपका स्टेराइल है, करेक्ट, ओके। Now this is all about your isolation. Isolation के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। Now we need to talk about variations. क्योंकि variation is another factor that is responsible for evolution. इस variation की वजह से भी evolution हुआ है। जैसे isolation की वजह से speciation हुआ, तभी तो evolution हुआ। Evolution का मतलब क्या? अलग-अलग species बनी है ना?
तो वेरिएशन की वजह से भी वो चीज होता है। अब ये वेरिएशन है क्या? देखो, नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर। जैसे अगर मैं होमो सेपियंस सेपियंस हूं, आप भी होमो सेपियंस सेपियंस हो, राइट? क्या हम दोनों एकदम सेम है? आर वी आइडेंटिकल? वी आर नॉट। सेम स्पीशीज में भी आपको डिससिमिलैरिटीज दिखती है, राइट? सो नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर ऑल्दो दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, राइट? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट, अगर आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, क्या वो आपके जैसे आइडेंटिकल है? नहीं है, राइट? सो दिस और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम लिटर। लिटर हम कब यूज करेंगे? जब हम डॉग्स की पपीज की बात करें, एक साथ बहुत सारे पपीज होते, दैट इज अ लिटर, है ना? एक लिटर में सपोज 5 डॉग पपीज है, राइट? तो सारे के सारे पपीज एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। किसी में एक अलग सा स्पॉट होगा कहीं पे नेक में, किसी का थोड़ा आई कलर अलग होगा, किसी का फर का कलर अलग होगा, राइट? एंड इवन ट्विंस आर नॉट सिमिलर। ट्विंस भी सिमिलर नहीं होते हैं, करेक्ट? ओके, सो दीज ट्विंस इन द सेंस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्रैटर्नल ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस जिसको हम बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन या आइडेंटिकल ट्विन, दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, 100% जेनेटिकली आइडेंटिकली वो होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने आइडेंटिकल ट्विंस को भी अलग अलग जगह पे पाला पोसा, सपोज एक कहीं और है ना, कि कोई डॉक्टर्स के साथ पला बड़ा है और कोई डाकू के साथ पला बड़ा है, तो उनके नेचर्स में भी चेंजेस आएंगे, तो वो भी वेरिएशन हुआ है ना, environmental variation, correct? Okay, so these differences between closely related organism occurring in the same environment are called as your variation. Isko hum log bolte hai variation, right? Hello Indu, good afternoon, nice to see you here. ओके, सो यही तो बताया था आपके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में, कि आपकी जो मैल्थस ने बोला था कि ज्योमेट्रिकली पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो फूड सोर्स है वो एनिकमेटिकली बढ़ रही है ना, तो इसकी वजह से कॉम्पिटिशन आएगा। तो एक पॉपुलेशन में अलग अलग वेराइटीज के लोअर स्पीशीज है ना, तो इनकी स्पीशीज में ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसमें से कौन बचेगा जो फिट है? सो देयर इज नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो दैट ऑल्सो लीड टू मॉडर्न सिंथेसिस, है ना, इवोल्यूशन होगा आपका। वैसे म्यूटेशन भी आपको दिख रहा है, म्यूटेशन दो तरह का होता है, एक जेनेटिक वेरिएशन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, राइट? जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो एंड एवरीथिंग, मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी आपको दिखता है, उसकी वजह से भी मॉडर्न सिंथेसिस होती है, करेक्ट? अब क्यों जरूरी है वेरिएशन? आई टोल्ड यू इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, है ना। वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल व्हेन कंडीशन चेंजेस, है ना। जैसे कि बिस्टन बेटुलेरिया एक स्पीशीज थी, है ना, इसके साथ साथ एक और स्पीशीज भी इसके साथ प्रेजेंट था, दैट वाज बिस्टन कार्बोनेरिया। ये दोनों स्पीशीज आराम से थे, कोई टेंशन नहीं था इनको, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ एनवायरमेंट, मैन मेड एनवायरमेंट था ना, क्योंकि हमने पॉल्यूशन क्रिएट किया था इंग्लैंड में, क्योंकि रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो एनवायरमेंट चेंज हुआ, तो एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से फायदा किसको हो गया? ये बिस्टन कार्बोनेरिया को हो गया। तो ये वेरिएशन की वजह से somebody is benefited and the someone's loss, इसका लॉस हो गया, करेक्ट? हमने ये थ्योरी पढ़ा था इंडस्ट्रियल मिलानिज्म में, करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, दैट्स व्हाई वी नीड वेरिएशन। जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा, तो उसमें से कोई एक सर्वाइव करेगा और वो आगे बढ़ेगा, उसका इवोल्यूशन होगा आगे, करेक्ट? तो अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला वेरिएशन हम जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टिक वेरिएशन। ये मेरिस्टिक वेरिएशन क्या है? मेरिस्टिक इज नथिंग बट एक्चुअली यू कैन काउंट दीज वेरिएशन विद इन नंबर्स, आप इसको काउंट कर सकते हो। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 आर्म्स इन स्टार फिशेस, ठीक है। ये स्टारफिश जो आपको दिख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे 5 दिख रहे हैं आर्म्स? नहीं, मोस्टली वी नो दे आर पेंटारेडियली सिमेट्रिकल, 5 आर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे 5 आर्म्स नहीं है, दे हैव मोर देन दैट, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेरिस्टिक वेरिएशन। तो ये एक अपने स्पीशीज से अलग दिखेगा, करेक्ट? ओके, सो मेरिस्टिक वेरिएशन क्या है? दीज वेरिएशंस कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, करेक्ट? ओके, फिर आपको पॉलीडैक्टाइली जो दिखता है, आई होप यू ऑल नो वॉट इज पॉलीडैक्टाइली, मोर देन 5 फिंगर्स, है ना, मोस्टली 5 फिंगर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हुआ तो वी कॉल इट एज पॉलीडैक्टाइली। जैसे कि आपको यहाँ पे यू कैन सी प्रेजेंस ऑफ सो मेनी फिंगर्स ऑन द सो मेनी टोज, कितने सारे टोज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट?
पांच की जगह उससे ज्यादा है. सिमिलरली यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको फिंगर्स, यू कैन सी सिक्स फिंगर्स, राइट. सो प्रेजेंस ऑफ सिक्स फिंगर्स, प्रेजेंस ऑफ मोर देन फाइव टोस इन ह्यूमन कुड बी कॉल्ड एज अ मेरिस्टिक वेरिएशन, राइट. मेरिस्टिक वेरिएशन आपको रिब के जिसमें भी दिखता है. वी नो दैट वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, है ना, 24 रिब्स है, बट देर आर मेनी इंडिविजुअल हु हैज प्रेजेंस ऑफ मोर और लेस नंबर ऑफ रिब्स दैन एवरेज, है ना, दैन एवरेज. तो जैसे हमारे पास 12 होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको एक 13th रिब दिख रही है और यहाँ पे आपको सिर्फ 11 रिब्स ही दिख रहे हैं, 12th वाला प्रेजेंट नहीं है. तो ये भी वेरिएशन है. सो दिस इज मेरिस्टिक वेरिएशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, परफेक्ट, राइट. नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स. क्वालिटेटिव ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि आप क्वालिटी देख सकते हो. फॉर ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ डॉग्स में, जैसे आपको डॉग्स में दिख सकता है, यू कैन सी क्वालिटी वेरिएशन इन डालमेशियंस, है ना. ये डालमेशियंस की जो सारे के सारे डालमेशियंस है ये, लेकिन सबके स्पॉट्स क्या एक ही जगह पे है, है ना. इसका स्पॉट पैटर्न अलग है, दूसरे वाले का स्पॉट पैटर्न अलग है, तीसरे वाले का स्पॉट पैटर्न अलग है. So you can take this as a quality. ये quality है इस dog की. Similarly, you can also see stripes in zebras. Zebras में जो आपको stripes दिख रही है, दो zebra है, same species है. But ये दोनों species भी अलग है. दोनों same species है, एक ही जगह पे है, but still इन दोनों को हम अलग अलग देख बोल सकते हैं कि अलग अलग individual है. कैसे? इसके stripe patterns और इसके stripe patterns में बहुत difference है, right? इसको हम qualitative variations बोलते हैं. क्वांटिटेटिव वेरिएशंस कैसी होती है ना. फॉर क्वांटिटेटिव इज नथिंग बट सपोज आप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ लोग ड्वार्फ होते हैं, तो एवरेज साइज से, एवरेज हाइट से अगर थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएट किया वो आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है. क्वालिटेटिव क्या कि एक थोड़ा सा एकदम ही अलग सा चेंज हो सकता है, करेक्ट. इसीलिए हम क्वालिटेटिव ट्रेड्स को भी कैन ऑल्सो कॉल इट एज क्वालिटेटिव को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव को हम कंटिन्यूअस वेरिएशन बोल सकते हैं. मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस इज नथिंग बट अ सडन लार्ज वेरिएशन, अचानक से बहुत बड़ा सा वेरिएशन, कोई इसमें कोई मीडियन इंडिविजुअल नहीं है, राइट. कंटिन्यूअस में क्या है, यू नो सम स्मॉल फ्लक्चुएशंस, स्मॉल फ्लक्चुएशंस फ्रॉम द एवरेज. तो एवरेज ये आपका एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू से छोटे छोटे थोड़े आपके यू नो सम टॉल इंडिविजुअल्स यहाँ पे है, कुछ ड्वार्फ इंडिविजुअल्स अगर आपने यहाँ पे ले लिया और मीडियन हाइट वाले को आपने बीच में रख लिया, तो मीडियन से जो इधर उधर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव या कंटिन्यूअस. यही तो आपके डार्विन ने बताया था, स्मॉल वेरिएशंस, करेक्ट. और आपके ह्यूगो डेवरीज ने क्या बोला था, लार्ज स्टेप डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, उसने बोला था सडन लार्ज म्यूटेशन. तो डिसकंटिन्यूअस एक्चुअली ह्यूगो डेवरीज वेरिएशन, है ना. तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख सकती है वेरिएशंस में, जैसे आपको यू कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएशन का. अगर आपने एग्जांपल लिया कंटिन्यूअस वेरिएशन, थोड़ा बहुत छोटा मोटा फ्लक्चुएशन, अगर आपने इंडियन पॉपुलेशन ही ले लिया, सपोज इंडियन पॉपुलेशन में आपको स्किन टोन दिखती है, राइट, है ना, स्किन टोन सेम स्पीशीज है हम, लेकिन सबका स्किन टोन अलग है. सो यू कैन सी हियर वेरी फेयर, फेयर स्किन, मीडियम डार्क स्किन, मीडियम डार्क स्किन, वेरी डार्क, अलग अलग तरह के स्किन टोन या कॉम्प्लेक्शन आपको दिखेंगे, है वो सेम स्पीशीज, है ना, बट स्किन टोन. तो ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशन है, है ना, मीडियम से आपकी मीडियम जो है यहाँ पे मीडियम से थोड़ा फ्लक्चुएट किया है इधर उधर, दैट्स ऑल. सो दैट इज योर कंटिन्यूअस वेरिएशन. इसीलिए हम इसको प्लस माइनस वेरिएशन भी बोलते हैं, प्लस माइनस थोड़ा सा इधर उधर, दैट्स ऑल, करेक्ट, ओके. और आपकी, दैट्स व्हाई आई हैव सेड हियर फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन एग्जांपल इज नथिंग बट योर स्किन टोन्स आप ले सकते हो, राइट, यू कैन टॉक अबाउट स्किन टोन्स एंड ऑल. यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन अचानक से एक लार्ज चेंज, जैसे कि एल्बिनिज्म, है ना, तो हियर यू कैन टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है, कोई मीडियन कैरेक्टर नहीं है, अचानक से एक कैरेक्टर से, एक ट्रेड से हटके कोई ट्रेड पैदा हो गया. जैसे आपको यहाँ पे एल्बाइनो टाइगर दिख रहा है ना, एल्बाइनो टाइगर, कैन यू सी हियर, और ये आपका नॉर्मल रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी रॉयल बंगाल टाइगर है बट ये एल्बाइनो है, करेक्ट. तो मीडियन कुछ नहीं, हल्के कलर का आपको यहाँ पे कोई टाइगर नहीं दिख रहा है, अचानक से चेंज हो गया, अचानक से कलर से पिगमेंटेशन. ये ह्यूमन्स में भी होता है, वी ऑल्सो हैव एल्बाइन ह्यूमन, है ना,
राइट पीकॉक में भी आपको दिख सकता है, यू कैन ऑल्सो सी एन अल्बाइनो पीकॉक. तो आपको कोई सिर्फ लाल कलर का पीकॉक या सिर्फ ब्लू कलर का पीकॉक दिखता है, नहीं, एक कलरफुल पीकॉक से अचानक से एक अल्बाइनो पीकॉक बन गया. तो ये आपका क्या हुआ, एक लंबा लार्ज वेरिएशन आया, एक सडन म्यूटेशन आया है. करेक्ट. नेक्स्ट आता है आपका सोमैटिक वेरिएशन. तो सोमैटिक वेरिएशन क्या है कि ये वेरिएशन आपके सोमैटिक बाद में होता है बॉडी में, जन्म से नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सर्कमसाइज्ड पीनस दिख रहा होगा. सर्कमसाइज्ड, जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो सर्कमसाइज्ड मेल्स जो होते हैं, ऑब्वियसली दैट इज अ सोमैटिक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर हमने बाद में ऐड किया है. सो दैट इज ऑल्सो वेरिएशन, सर्कमसाइज्ड मेल्स, राइट. और यहाँ पे यू कैन सी एन एथलेट्स मसल, ये एक एथलेट्स का मसल है, ठीक है, एथलेट्स मसल. और यहाँ पे एक वीक इंडिविजुअल आपको दिख रहा है. तो ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग जो एथलेट है वो पैदा ही एकदम मस्क्यूलर हुए थे, नहीं, वो बाद में ऐड किया, राइट. उन्होंने बाद में यू नो बॉडी बिल्डिंग की, उनकी मसल मास को उन्होंने बढ़ाया. सो दैट इज अ सोमैटिक चेंज. अब एक एथलीट का जो नेक्स्ट प्रोजिनी है वो पैदा एथलीट नहीं होगा, उसके मसल्स पहले से उसके डोले शोले नहीं बनाए हुए होंगे, राइट, वो बाद में बनेंगे. सो दैट इज सोमैटिक वेरिएशन, क्योंकि वो सोमैटिक सेल में थी, राइट. अब वी कैन टॉक अबाउट एज वेरिएशन. एज वेरिएशन कैसा है, एक ही स्पीशीज है, जैसे ये कैटरपिलर, यहाँ पे आपको ये बटरफ्लाई दिख रही है, यू कैन सी द बटरफ्लाई हियर, राइट. ये एक ही बटरफ्लाई है, बट इट कैन गो थ्रू मेनी शेप्स, मेनी चेंजेस. पहले तो ये कैटरपिलर था, ठीक है, कैटरपिलर वॉज नथिंग बट द लार्वा, कैटरपिलर उसका लार्वा था. ये लार्वा क्या हुआ, ये लार्वा प्यूपा बन गया, है ना, और ये प्यूपा से क्या हुआ, एक एडल्ट इमर्ज किया. सो सेम ही स्पीशीज है, बट इट कैन गो थ्रू चेंजेस ड्यू टू देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के वक्त दे कैन गो थ्रू चेंजेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एज वेरिएशन. कैटरपिलर लार्वा है, छोटा है, राइट, एडल्ट बड़ा है, तो आपको एज वेरिएशन दिख रहा है. सिमिलरली यहाँ पे आपको फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस दिख रहा होगा, है ना, किस तरह से फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस शो करके वेरिएशन, मतलब सेम ही तो स्पीशीज है, वही इंडिविजुअल है, बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे. सो यू कैन सी हियर हाउ एग्जैक्टली द फ्रॉग इज मेटामॉर्फोसाइजिंग, करेक्ट, ओके. सो दिस इज अबाउट नथिंग बट योर एज वेरिएशन. आपको यहाँ पे एज वेरिएशन दिख रही होगी. ओके, लास्ट आता है आपका सीजनल वेरिएशन. सो लेट्स टॉक अबाउट योर सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, ये जो दो आपको दिख रहा है ना, एक व्हाइट कलर का खरगोश यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे ब्राउन कलर का दिख रहा है, दे आर बोथ सेम स्पीशीज, दे आर बोथ कॉल्ड एज स्नो शू हेयर, है ना, इस पर्टिकुलर हेयर का नाम है स्नो शू हेयर. तो ये स्नो शू हेयर क्या करता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, है ना, सो ड्यूरिंग विंटर सीजन इनका जो फर कोट का कलर है वो वाइट हो जाता है. सो ड्यूरिंग विंटर दे शो वाइट वाइट फर कोट, ठीक है, जस्ट टू शो कैमोफ्लाज बेटर विद द स्नो. ये कैमोफ्लाज बेटर तरीके से कर सकता है. और समर में क्योंकि स्नो तब प्रेजेंट नहीं है तो उनका ब्राउन कलर का फर हो जाता है. सेम ही है बट सेम स्पीशीज इज शोइंग चेंजेस, इस तरह से वो सीजनल वेरिएशन शो करता है. यही चीज आपको प्लांट्स के लीव्स में भी दिखता है ना, प्लांट्स के लीव्स में दिखता है. लीव्स अपने कलर को चेंज करता रहता है, सेम वही पेड़ है बट अपना कलर को वो चेंज कर रहा है, तो वेरिएशन शो हो रहा है इस तरह से, राइट. सो दीज आर ऑल अबाउट योर वेरिएशन. हमने सारे वेरिएशंस देखे हैं, या तो वेरिएशन आपका जेनेटिक हो सकता है या एनवायरमेंटल हो सकता है, राइट. जेनेटिक जैसे आपके जो आई कलर्स है, इट कुड बी ड्यू टू द जीन ऑफ और मेलानिन, है ना, कोई मेलानिन ही अगर नहीं है आईज में, आईज के जो ऑब्वियसली आईरीज में आईरीज कलर प्रोड्यूस करता है, सो द पर्सन विल हैव ब्लू आईज. अगर बहुत हाई अमाउंट ऑफ मेलानिन है द पर्सन विल हैव अ ब्राउन आई, और अगर बहुत ही लो लेवल का मेलानिन है द पर्सन इज दे हैव ग्रीन आईज, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर है, ठीक है. एनवायरमेंटल भी हो सकता है, राइट. जैसे अभी सीजनल वाला हमने देखा, वो एनवायरमेंटल था क्योंकि सीजन चेंज हो रहा था तो अपना फर कलर वो हेयर चेंज कर रहा था, करेक्ट. वैसे ही आपको फ्लावर्स के कलर में दिख सकता है, हाइड्रेंजिया जो फ्लावर है, अल्कलाइन सॉइल में अगर वो ग्रो करे इट विल शो पिंक कलर पेटल्स, और अगर वो एसिडिक सॉइल में ग्रो कर रही है तो इट विल शो ब्लू कलर पेटल्स, ठीक है. ये भी आप, दिस इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ वेरिएशन, इट कुड बी ड्यू टू जीन, इट कुड बी ड्यू टू एनवायरमेंट एज वेल. सोमैटिक भी हो सकता है, जो मैंने सर्कमसीजन के बारे में आपको बताया, या फिर मसल्स, ठीक है, राइट. ये आपकी मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर ड्यू टू ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं तो देर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट जीन्स, टू डिफरेंट गैमिट्स, है ना. तो अलग अलग जेनेटिक मेकअप आके आपके रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन पॉसिबल है.
और उसके वजह से ऑब्वियसली आपका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। तो आज हमने क्या क्या बात की, वी टॉक्ड अबाउट आइसोलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, ज्योग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव के भी जो अलग अलग टाइप है, प्री मीटिंग एंड पोस्ट मीटिंग, दैट्स ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, राइट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेरिएशंस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, क्या क्या तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्या बचा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट बच्चों हम लोग संडे को, परसों संडे 2 बजे आई बी टीचिंग अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला टॉपिक, है ना, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, ये सारे एग्जाम्पल के साथ आई बी एक्सप्लेनिंग यू जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, है ना। कल सैटरडे है, कल स्पेशल क्लासेस होने वाला है ऑब्वियसली आपका, और आज आपका स्पेशल क्लास जो है टुडे फ्राइडे 2nd October ऐप में जो स्पेशल क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज वी ऑल नो आई हैव स्टार्टेड विद द बैकलॉग सीरीज, ठीक है। तो आप मैं जो लोग नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम टू कम एंड हैव अ लुक एट दिस सेशन, है ना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स यहाँ नीट गो ऐप चैनल में पढ़ रहे हो, है ना, 11th का भी यहाँ चल रहा है, 12th का भी चल रहा है, बट जो चैप्टर्स अभी तक नीट गो ऐप चैनल में हुआ नहीं है या चल नहीं रहा है, वो चैप्टर्स मैं स्पेशल क्लास में करा रही हूँ। तो एक साथ आपके बहुत सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करके फिनिश हो रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर कर रहे हो, अगर मई में आपका एग्जामिनेशन हो, यू हार्डली हैव 1 ईयर लेफ्ट, आपके पास वहाँ 1 साल भी नहीं है, है ना। तो आपको प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा सोच समझ के स्मार्ट वर्क करना है। तो ये जो बैकलॉग सीरीज बच्चों आपका चल रहा है, इसमें थ्योरी प्लस MCQs दोनों ही है। तो जैसे कल जो मैंने पढ़ाया था उसका आज पहले मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लूंगी, MCQs लूंगी, है ना, देन आई स्टार्ट टीचिंग द थ्योरी, जब पहले MCQ फिर थ्योरी, इसी तरह से ये बैकलॉग सीरीज चलेगा। और जो आज मैं पढ़ा चुकी होंगी आज तक, वो सारे एनिमल किंगडम का पार्ट कल आपके एज अ मॉक टेस्ट आने वाला है। सो टुमारो इज ओनली फॉर मॉक टेस्ट, कल पूरा मॉक टेस्ट होने वाला है, और डाउट भी आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। सो 3rd October सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट होगा एनिमल किंगडम का ऑन स्पेशल क्लास। मेरी प्लस कोर्सेस भी आप यहाँ पे लॉन्च होने वाली बच्चों 15th October, एक आपका प्लस कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, राइट, लास्ट मंथ को। हेलो प्रेम, नाइस टू सी यू हियर। सो 15th October को ये लॉन्च होगा, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स है, एंड ये 1 PM को होता है मेरा क्लासेस, सो यू कैन डेफिनेटली कम फॉर द प्लस कोर्स एज वेल, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर मैंने रखा हुआ है, इस चैप्टर पे आपका प्लस कोर्स का मैं पूरा चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। सो ओनली सिर्फ थ्योरी नहीं, इट विल इंक्लूड थ्योरी प्लस डाउट सेशंस प्लस क्विजेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी आपके प्लस कोर्स में, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू यू नो कम फॉर द प्लस कोर्स, यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, है ना, और इफ़ यू नीड अ पर्सनल कोचिंग फ्रॉम मी, यू हैव टू टेक एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले आप अनकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, फिर यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, स्पेशल क्लास तो फ्री है बट फॉर प्लस कोर्सेज यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, इट इज़ वेरी मच कॉस्ट फ्रेंडली, बहुत ही कम अमाउंट में आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल सकता है। फिर NEET UG पे क्लिक कर लो, देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है। और अगर सपोज आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको अलग से प्लस के लिए एक सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपकी पर्सनल कोचिंग और ये सारी सुविधाओं के साथ साथ प्लस कोर्स भी आ जाएगा। जैसे कि सपोज आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो, तो अगर आपने वन ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो, यू हैव टू पे अराउंड 40,500, ठीक है। तो 40,500 में आपका प्लस कोर्स के साथ साथ पर्सनल कोचिंग, NEET UG वर्कशॉप, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, करेक्ट, ओके, परफेक्ट। वैसे ही 2 ईयर्स का भी आपको अमाउंट देखा, प्राइस हाइक अलर्ट भी आ चुका है, प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है, तो जल्दी यू हरी अप एंड टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे। और प्लीज आप इस कोड को जरूर लगाए, अगर आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो जो कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज SWAGATS स्वागता, दिस वुड बी योर कोड। सिर्फ प्लस की कोचिंग ही नहीं, पर्सनल कोचिंग ही नहीं, आपको 10% ऑफ पे मिल जाएगा, ये जो टोटल अमाउंट यहाँ दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ भी आपको वही सेम कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज माई नेम SWAGATS स्वागता, आपको बिल्कुल 10% ऑफ मिल जाएगा फ्रॉम द टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये चीज़, है ना। आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, और वो पुश ऑब्वियसली हम आपको अच्छे से कर देंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे सारे के सारे टॉपिक्स, है ना, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएंगी, राइट, विद योर MCQs, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये पूरा आपको यू नो एक माहौल मिलेगा नीट एग्जामिनेशन का, करेक्ट।
ओके सो बच्चों इसका भी मैं पीडीएफ अभी डाउनलोड कर दूंगी हर एक क्लासेस के एक घंटे में आप यू कैन हैव एन एक्सेस टू दिस ओके राइट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम का भी मैंने दे दिया था कल जो मेरे क्लासेस हुए थे 3 PM एंड 7 PM के उसके भी PDF ऑलरेडी अपलोड हो चुके होंगे राइट तो आप एक बार चेक कर लीजिए नहीं मिला तो आप एक बार मुझे बताइए आई विल इन्फॉर्म माय टीम ठीक है सो आई विल सी यू ऑल अराउंड टुडे अब फिर से हम ऐप में मिलने वाले हैं अनकैडमी के ऐप में कितने बजे मिलेंगे 4:30 PM को मिलने वाले हैं ठीक है सो आई विल सी यू ऑल अराउंड 4:30 PM फॉर द बैकलॉग सीरीज ठीक है ये बैकलॉग सीरीज इज जस्ट लाइक फॉर ड्रॉपर्स पैच है ये ठीक है 2021 के बच्चों के लिए ओके चलो गाइस टेक केयर स्टे सेफ एंड आई विल सी यू ऑल एट अराउंड 4:30 PM